ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और विकारों को अपने से दूर ही रखना, क्योंकि संस्कारों का कोई विकल्प नहीं होता, संस्कारों का कोई विकल्प नहीं होता। हे गाइस, दिस इज अनन्या अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू क्रेजी कुड़ी। तो आज मैं युवा पीढ़ी को समाज और संस्कारों से कैसे जोड़ा जाए, इस विषय पर अपने विचार रख रही हूँ। आज की युवा पीढ़ी समाज और संस्कारों से दूर होती जा रही है। आखिर कौन है इसका दोषी, कौन है इसका अपराधी? हम और आप। जी हाँ, हम और आप। चौंकिए मत, कड़वा है पर सच है। कहते हैं कोई भी पेड़ तब तक ही जीवित रह पाता है जब तक वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। समाज में व्यक्ति की जड़ें हमारी संस्कृति होती है। संस्कृति विहीन व्यक्ति कटी डोर की पतंग के समान होता है, जो उड़ तो रहा होता है मगर उसे पता नहीं होता कि वह कहाँ जाएगा। कहते हैं जैसे संस्कार और संस्कृति होती है, उसी तरह का समाज भी होता है। विश्व की प्राचीन भारतीय संस्कृति के मूल आधार है अहिंसा परमो धर्म, सत्यमेव जयते, वसुदेव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। भारतीय संस्कृति में सदैव स्वयं से पहले पर को महत्व दिया गया है। समाज कल्याण के लिए दधीची ने हड्डियां त्याग दी। राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस काटकर चढ़ा दिया। राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने प्रतिज्ञा पालन के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ये उदाहरण भारतीय संस्कृति और सभ्यता के परिचायक रहे हैं, इसीलिए भारत को विश्वगुरु कहा जाता था। लेकिन आज समाज का अधिकांश युवा आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपने संस्कार और संस्कृति को भुला चुका है। अब बच्चे बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने में संकोच करते हैं। माता पिता को सम्मान देने के बजाय उन्हें वृद्धाश्रमों में छोड़ देते हैं। त्योहारों पर जहां लोक संगीत और लोक संस्कृति देखने को मिलती थी, आज उनकी जगह ऊंची आवाज में भड़कीले कानफोड़ू डीजे ने ले ली है। पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, बेटा बाप की नहीं मानता। सोशल मीडिया पर 5000 दोस्त हैं, परंतु वास्तविक जीवन में भाई से बोलचाल बंद। भारतीय संस्कृति नमस्ते, अतिथि देवो भव, स्वागतम की रही है, लेकिन आज हाय, पॉफ, मॉम, कूल डूड, ब्रो बन गई है। भावनाएं केवल सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, कमेंट, शेयर कर व्यक्त की जा रही है। फोन स्मार्ट हो रहे हैं, सिटी स्मार्ट हो रही है, लेकिन आदमी संवेदनहीन हो रहे हैं। युवाओं की सोच में परिवर्तन हो, इसके लिए हमारी सरकारों और शिक्षाविदों को आगे आना होगा। नई शिक्षा नीति में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाए, इसी से युवा अपने संस्कारों और संस्कृति की ओर वापस लौट सकेंगे। हमें वातावरण को बदलना होगा। युवाओं को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि उनके जीवन का मूल लक्ष्य क्या है, जीवन का ध्येय क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। कहते हैं कुम्हार मिट्टी को जैसा आकार देता है वैसा ही घड़ा बन जाता है। इसीलिए प्राचीन महापुरुषों और उनके आदर्शों की कहानियाँ बच्चों तथा युवाओं को पढ़ने के लिए दी जानी चाहिए। उसी से इन्हें नैतिक शिक्षा तथा श्रेष्ठ जीवन मूल्य मिलेंगे। उन्हें भारतीय सभ्यता के सिद्धांतों से परिचित कराया जाए। जरूरत है अभिभावक व समाज युवाओं को साथ लेकर ऐसे आयोजन करे जिससे युवाओं में अच्छे संस्कारों का निर्माण हो सके। युवा संस्कारित होंगे तो देश का भविष्य उज्ज्वल होगा, समाज का भविष्य उज्ज्वल होगा। और अंत में मैं यही कहूंगी कि मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है, मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है, हर अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। और जो अपनाते हैं संस्कारों को, जो अपनाते हैं संस्कारों को, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है, किस्मत भी उनके गुलाम हो जाती है। धन्यवाद।